वेलकम बैक टू माय व्लॉगिंग चैनल। मैं हूं आपका फेवरेट व्लॉगर और ये है मेरा व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक जगह पे खड़े मत रहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज मेरे घर आई है Realme की स्मार्ट 4K वाली टीवी। ये मेरा एनिवर्सरी प्रेजेंट है मेरी डियरेस्ट बीवी के लिए, क्योंकि आज से 30 साल पहले मेरे घर मेरी बीवी आई थी। 30 साल पहले मेमोरीज भावनाओं में बह गया। टीवी और बीवी कितना राइम करता है ना, एंड में बीवी जो है। पर मैं आपको मन से एक सच्ची बात बताऊं, ये टीवी और बीवी में ना बहुत डिफरेंस है। किससे इतने खुसर खुसर कर रहे हो? हाँ, सुन रही हूँ सब किचन से। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हमारी एनिवर्सरी के बारे में बता रहा था, और मैं बता रहा था कि हमें तुमसे प्यार कितना। कब पीछा छूटेगा इससे? डियर सब्सक्राइबर्स, प्लीज ईयरफोन लगा लीजिए। एक ऊंची आवाज में ज्यादा तेज बोलूंगा ना तो फिर से बाहर आ जाएगी। टीवी जो है ब्रांड वारंटी के साथ आती है। मानो कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप कंपनी में कॉल कर दीजिए, वो या तो रिपेयर कर देंगे या के रिप्लेस कर देंगे। पर बीवी बीवी की कोई वारंटी नहीं होती साहब। अरे सच, खुद देख लो। जल्दी खाना, में थोड़ी सी जल गई, अब खा लीजिए। ये थोड़ी जली हुई है भाई, बेसन की रोटी सुना था, चावल की रोटी, बाजरे की रोटी सब सुना है। ये आग की रोटी पहली बार सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और शायद खानी भी पड़ेगी। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। आप तो कहती थी आपकी बेटी बेटी नहीं संजीव कपूर है। ये मेरी रोटी की शक्ल देखिए, संजीव कपूर नहीं आपकी बेटी शक्ति कपूर है। अच्छा, तू बड़ा मेरी बेटी को शक्ति कपूर बोल रहा है, जैसे खुद की शक्ल आलिया भट्ट जैसी हो। अरे तू भी तो राखी सावंत जैसा दिखता है, तो जैसे को तैसा मिल गया। मैं राखी सा, अरे मम्मी जी आवाज आ रही है? मेरे से बात करने में तो नेटवर्क चला ही जाता है। एक और डिफरेंस बताता हूँ आपको, मेरा Realme स्मार्ट टीवी सपोर्ट्स मल्टीपल कनेक्टिविटी लाइक 2.4 GHz, 5 GHz फॉर Wi-Fi टू इंश्योर फास्ट सीमलेस स्पीड एंड कनेक्शन। ये मेरी बीवी और उसका परिवार हमेशा डिस्कनेक्टेड रहते हैं, कभी परिवार वाली फीलिंग ही नहीं आई। डिफरेंस समझे? टीवी की वारंटी होती है, बीवी की नहीं। ये ससुराल वाले जैसे थमा देते हैं, जीवन भर वैसे ही चलाइए। रिपेयर तो करेंगे नहीं, रिप्लेस तो। मेरे Realme स्मार्ट टीवी का चैनल कभी भी कहीं से कैसे भी बदल सकता है। इसका ब्लूटूथ 5.0 लेवल का है। ये रिमोट है ना, यूं करने की जरूरत नहीं है टीवी के सामने। कहीं से भी दबाइए बटन, चैनल चेंज है ना किसी पुराने टीवी से बेटर फीचर। पर दोस्तों बीवी का चैनल एक जगह लगा के रुक गया बस। किसका बाल है ये? किसका बाल? आपकी गंदी सी वाइट शर्ट पे इतना लंबा बाल किस औरत का है? अरे यार मंजू, आदमी थका हारा ऑफिस मीटिंग से आ रहा है। ये आपकी डे मीटिंग रात रात तक नहीं होने लगी आजकल? घर में आ जाऊं मैं, फ्रेश हो जाऊं, फिर लगाना ये सब आरोप मुझ पे। हाँ हाँ, फ्रेश हो जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, पता नहीं कहाँ क्या काला करा के आ रहे हो। अजीब औरत है यार, अजीब है। भूख लगी है? खाना लगा दूं? थूसोगे या पेट और मन सब बाहर से भर के आ रहे हो? नहीं खाना है मुझे। सब पता चल रहा है मुझे, पागल नहीं हूं मैं? चार्जर दे दूं? रात को चुप चुप के बात जो करनी होगी, बैटरी खत्म हो गई तो चैट कैसे करोगे? देखा, एक बार को फैशन टीवी पर सत्संग भी आ सकता है, पर बीवी के चैनल पर एक ही प्रोग्राम आएगा, वो भी जो उसने खुद सेट किया हो। अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है। इसके आगे एक और बताता हूँ। बरसों पहले इन्वेंट हुआ टीवी आजकल कितना स्मार्ट हो गया है, और ये बरसों पुरानी बीवी आज भी वही। अभी कोई इसको बताए एक्टिवा एक्टिवा होती है, कोई फुटबॉल नहीं। उसको हाथों से रोकते हैं, पैरों से नहीं। और इंडिकेटर लाइट इंडिकेटर होती है, ये दिवाली की लाइटें थोड़ी है, जो मर्जी वो चला दी, चलाती हैं जाती वहाँ। अरे छोड़ो ये तो कुछ भी नहीं। अगला डिफरेंस सुनोगे ना आप नेक्स्ट लेवल पे रिलेट कर जाएंगे सर। आप मुझे इंस्टा पे डीएम करेंगे कंसोल करने के लिए। मेरे Realme 4K स्मार्ट टीवी में डॉल्बी विजन है,
4K डिस्प्ले सर, 4K इट मीन्स ऐसी टेक्नोलॉजी जो कैरेक्टर्स में लाइफ डाल दे। इट कम्स विथ TUV लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन जो ब्लू लाइट की हार्म से बचाए एंड कंज्यूमर्स की हेल्थ को अफेक्ट ना होने दे। पर बीवी टीवी जैसी नहीं होती, वो जो होती है वो दिखाई नहीं देती, जो दिखाई देती है वो सुनाई नहीं देती। वो इंसान के समझ में नहीं आते कि बीवी का करे तो करे क्या। अनुराधा जब देखो नए रेस्टोरेंट पहुंचे रहती है। हम भी चले बाहर खाना खाने। बाहर आज कुछ स्पेशल है कोई? क्यों, कोई स्पेशल दिन होता है तभी बाहर जाके खाना खाते हैं, नॉर्मली नहीं जा सकते खाना खाने बाहर? नहीं ऐसे नहीं, नॉर्मल भी जा सकते हैं, चलो। मैं सोच रही थी मुगलाई या फिर चाइनीज। चाइनीज नहीं यार, मुगलाई खाते हैं आज। पर मुगलाई तो आपके लिए अच्छा है ना, उसमें तो सिर्फ नॉनवेज अच्छा मिलता है। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं क्या खाऊं? तो चाइनीज खा लेंगे। अच्छा फाइन डाइन चले या ढाबा स्टाइल? ढाबा चलते हैं, कुछ अलग। ढाबा, जब से शादी हुई है ये इंसान सिर्फ मुझे ढाबा ले जा रहा है। फाइन डाइन के नाम पे इनको मौत आ जाती है। अरे इतना कमा रहे हो, कहाँ लेके जाओगे? छाती पे रख के ऊपर लेके जाओगे क्या अपने साथ? ते अच्छे अच्छे ड्रेस लेके रखे मैंने, ढाबा पहन के चलूं मैं? वो फाइन डाइन चल चलेंगे। लेकिन आज वीकेंड है, बहुत भीड़ होगी, वेटिंग बहुत ज्यादा होगा। तो नहीं जाते हैं, घर पे डिलीवरी मंगवा लेंगे। बस रीजन चाहिए बाहर नहीं जाने का? आपको शर्म आती है मुझे बाहर ले जाने में? लंबे बाल वाली जिसके साथ मीटिंग करते हो रात रात भर, जाते हो ना उसको लेके बाहर खाना खाने? देखा बीवी और टीवी का डिफरेंस? टीवी की आवाज डॉल्बी क्लियर, जो चाहती है वही बोलती है, और बीवी जो चाहती है वो बोलती नहीं, जो बोलती है वो मेरे समझ में नहीं आता, फिर वो कहती है मैं जो कहती हूँ तुम समझ क्यों नहीं पाते। अरे मैं समझू तो समझू क्या, तुम बोलो तो मैं समझू ना, मतलब मैं क्या करूँ क्या मैं? मेरे रियलमी स्मार्ट टीवी में डॉल्बी एटमॉस है जो साउंड को इंटरप्रेट करके 3D की ब्राइटर क्वालिटी ऑफर करता है, एकदम मधुर साउंड, सालों सालों एक जैसी। अब वही टीवी को बीवी से कंपेयर करूं तो नहीं, शुरू शुरू में बीवी की आवाज भी एकदम मधुर, कोयल कानों में ऐसे गूंजते एकदम रोंगटे खड़े हो जाते थे, और अब सुनिए मुझे कुछ कहना है आपसे। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है मंजू? क्या सुनना है मुझको पता है, तुमको पता है। नहीं मैं फिर भी बोल देती हूँ। अच्छा बोलो। आप एक ही कपड़ा दो बार से ज्यादा मत पहनिए, मुझे दे दीजिए ना, मैं धो दूंगी। आप बाहर जाएंगे फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। यार तुम कितनी औसम हो यार, बहुत मस्त हो तुम। अरे ओ बुढ़ापे से पहले बहरे हो गए हो? हाँ क्या, नहीं कब से चिल्ला रही हूँ बाथरूम से? ये दो बार के पहने हुए कपड़े धोने में कौन डालता है? हाँ अरे तो मशीन में कपड़ा धो ना। अच्छा मशीन है तो आज अपने कपड़े खुद धोना। अरे यहाँ कपड़ा फेंक कर चली गई, सुपरमैन हूँ क्या मैं? ऑफिस का काम करूँ, कपड़ा धो, बर्तन माजू, ब्लॉगिंग भी करूँ। एक और डिफरेंस बताना तो भूल ही गया, मेरी बीवी को किसी ना किसी चीज की जरूरत रहेगी, सलोन ले जाओ, शॉपिंग ले जाओ, किट्टी कुट्टी, पता नहीं मेकअप ज्वेलरी क्या क्या, पर मेरी टीवी इसको किसी की जरूरत नहीं। फार फेच टेक्नोलॉजी है, एलेक्सा गूगल होम किसी चीज की जरूरत नहीं। अरे पैसे भी बचाती है और बल्ब कैमरा चाहे जो चीज कनेक्ट हो उसको भी चलाती है। प्यार नहीं होगा तो क्या होगा फिर? मेरे रियलमी स्मार्ट 4K टीवी में ना बेजल लेस डिजाइन है, बेजल एस लेस देन 2.6 mm, जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो को 97.2% बनाए। और मेरी बीवी के चेहरे का शेप और डिजाइन ऐसा नहीं है, पहले बड़ा स्वीट मासूम इनोसेंट टाइप्स था यार, देखते ही प्यार आता था, अब पता नहीं क्यों कैसी हो गई है, ऐसी डरावनी डरावनी शक्लें बनाती है, पहले तो बड़ी हंसी आती है और फिर मेरा हाल जो करेगी ना वो सोच के इतना डर फील होता है भाई, एकदम भूतिया औरत है। मैं तो बोलता हूँ राम गोपाल वर्मा को इसको लेके भूत 3, 4, 5 बनानी चाहिए, सीधा ऑस्कर मिलेगा इनको। बन गया ब्लॉग तुम्हारा? मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को वही बता रहा था कि तुम कितनी सुंदर दिखती हो, हैं? एकदम हीरोइन जैसी नहीं लगती भाभी? तुमको ना, तुमको मूवीज में ट्राई करना चाहिए, सच्ची तुमको वो ड्रामा थ्रिलर हॉरर नहीं सब सुना मैंने, आना रात को बेडरूम में, शेप डिजाइन कंपनी वारंटी साउंड सबके बारे में बताती हूँ, तुम लोग को भी बताती हूँ। ए सुनो तुम लोग प्लीज मेरी बीवी के बारे में कोई कमेंट मत करना, क्योंकि टीवी चाहे जितनी स्मार्ट हो, जितनी अच्छी हो, जितनी हैपनिंग हो, वो खाना बना के थोड़ी देगी आपको, हैं? बीमार पड़ जाओगे तो ध्यान थोड़ी रखेगी आपका, घर थोड़ी चलाएगी, बच्चे थोड़ी देगी, एक ही घर है, निकाल देगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा।